हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटे, ये हमारा क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फोर जो जंगल बॉय मोगली, उसकी हमारी रीडिंग कल कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो इसके वर्ड मीनिंग करते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर फोर, ठीक है। वर्ड मीनिंग है इसकी, तो फर्स्ट है बेटा स्नीक। स्नीक होता है उचक्का हो जाना। नंबर टू है इसका मॉर्टल। मॉर्टल होता है नाशवान। नंबर थ्री वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। ऐसे आप वीडियो को पॉज करें बेटे ऐसे, और फिर आप लिख लें अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ, और साथ साथ लर्न करें। ऐसे देखिए, मैं वीडियो को पॉज करके दिखा रही हूँ आपको, आप ऐसे लिखिए वीडियो को पॉज करके। वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। नंबर फोर है मिस्टीरियस, रहस्यमय। नंबर फाइव एम्बर। एम्बर होता है बेटे चिंगारी। नंबर सिक्स रस्टलिंग, ये होता है सरसराहट, ठीक है। ये आपके साथ सिक्स वर्ड मीनिंग है लेसन फोर के। तो आप इस तरीके से, मैं फिर वीडियो को पॉज कर रही हूँ, देखिए, और आप इनको लिखें इस तरीके से, और मेरे साथ साथ लर्न करें नोटबुक में लिख के। और किसी बच्चे को कोई डाउट है, ना समझ आए, तो आप मेरे पास कॉल कर लें, ठीक है बेटे। अब ये आपके हो गए हैं वर्ड मीनिंग। उसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। और एक्सरसाइज है हमारी सबसे पहले पार्ट की ये, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें जो ट्रू है उसके लिए टी लगाएंगे, और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लगाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, फादर वॉल्फ वांटेड टू किल मोगली। जो फादर भेड़िया था वो मोगली को मारना चाहता था, इट इज़ फॉल्स, एफ आएगा इसमें। सेकेंड है बालू टोट मोगली द लव ऑफ द जंगल, इट इज़ ट्रू, तो टी आएगा इसमें। नंबर थर्ड है मोगली लर्न टू स्विम वॉक रन एंड किल एनिमल्स, इट इज़ फॉल्स बिकॉज ही डिड नॉट लर्न किल एनिमल्स, ओके, सो इट इज़ फॉल्स, देन वी राइट फॉल्स। नंबर फोर द रेड फ्लावर वॉज ए ब्यूटिफुल फ्लावर विद गुड ऑर्डर, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, देन वी राइट फॉर एफ। नंबर फाइव मोगली प्रोमिस्ड टू रिटर्न बैक टू द फॉरेस्ट, इट इज ट्रू, ओके। आप ऐसी वीडियो को पॉज कर लें, देखिए फाइव सेंटेंसेज आपके ट्रू फॉल्स की, मैं ऐसी वीडियो को पॉज करके या फिर आप इनको कर लें इस तरीके से, ओके। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ए बी सी, इनमें जो सही है उस पर टिक लगाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट डिड फादर वॉल्फ सी अंडर ए ट्री। फादर वॉल्फ ने पेड़ के नीचे क्या देखा था, चाइल्ड, तो चाइल्ड पर हमने क्या लगा दिया टिक। अब हम पेज टर्न करते हैं, ये हमारा सेकंड, हु वाज बघीरा, बघीरा कौन था, लायन था, पैंथर, पैंथर था ये, तो हमने पैंथर पर टिक लगाया, ये देखिए। थर्ड है, व्हाट वाज नेम ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे का क्या नाम था, टैमी, मोगली, मोगली नेम था, तो मोगली पर टिक लगाया हमने। नंबर फोर है, फोर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स डिड द लिटिल चाइल्ड लिव इन द फॉरेस्ट, वो छोटा बच्चा कितने टाइम तक जंगल में रहा था, फाइव, टेन, टेन ईयर्स तक, तो हमने टेन पर टिक लगा दिया है। इसके बाद नंबर फाइव है, व्हाट डिड बघीरा आस्क मोगली टू ब्रिंग रेड फ्लावर, तो रेड फ्लावर पर टिक लगा दिया है। आप इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें बेटी, और फिर आप जिन बच्चों के पास बुक्स हो बुक्स में फिल कर लें, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी नोटबुक में ही इनको राइट करेंगे और साथ साथ लर्न भी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करें एंड देन डू योर वर्क प्रॉपरली, ओके बेटा। और इसके बाद हम कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट सी। तब तक के लिए बाय।